गाइस, मैं अभी प्रयागराज जंक्शन पे हूँ और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी भीड़ आखिर जा कहाँ रही है। खैर, जा कहीं भी रहे हों ये लोग, लेकिन ऐसे ही फर्श पर लेटना, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़। एक बात याद आती है कि जीवन में कुछ हो ना हो, पैसा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक आम आदमी को ऐसे ही बताऊं कैसे, ऐसे ऐसे काकू की तरह लेटना पड़ेगा। तो लाइफ में जब ये सब देखो तो सीखो भाई कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा होगा तुम्हारे लिए तो यहीं रेलवे स्टेशन पे रूम भी मिलता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। लेकिन ऐसे ही फर्श पे एक अंगोछी तौलिया डालकर लोग लेटते हैं, क्या करें, क्या मजबूरी बन जाती है। तो अभी मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन में और अभी यहाँ पे ये ट्रेन लगी हुई है प्रयागराज टू अंबेडकर नगर। ये तो उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयागराज टू अंबेडकर नगर की ट्रेन लगी हुई है। मेरा दोस्त आज, मैं इलाहाबाद आया था संगम नहाने, तो मेरे दोस्त का एग्ज़ाम भी था, तो वो एग्ज़ाम देने गया हुआ है, उसकी लगभग छुट्टी होगी 4 बजे। अभी बज रहे हैं 1:00 PM, तो मैं बैठा हुआ हूँ अभी रेलवे स्टेशन के अंदर। तो यहाँ भी वेटिंग एरियाज में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो लग रहा है बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आप देख सकते हैं वेटिंग एरिया में भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मतलब भीड़ तो इतनी है, पता नहीं कहाँ ये लोग जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आपको कैसी इन्फॉर्मेशन लगी मेरी प्रयागराज जंक्शन की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।